यामी इस मूवी में किंडरगार्टन टीचर बनी है, ये छोटे छोटे बच्चों को उसकी टीचर है। मेरे को एक बात बताओ यामी, आपके सेट पे इतने सारे बच्चे थे, बच्चे तो कभी भी चलते शॉट में बोलते बाथरूम जाना है, फिर आप उनको रोक नहीं सकते, है ना? कितना मुश्किल होता है बच्चों के साथ काम करना? ये इन्होंने ठीक कहा है आई थिंक प्रमोशन में कि एक बच्चा 10 बच्चों के बराबर है, तो मैं 160 बच्चों के साथ शूट कर रही थी। 160? हाँ, एक बच्चा अगर 10 के बराबर है तो 16 × 10 160 हो जाता है। ओके, तो जब तक पिक्चर खत्म हुई मुझे सब समझ गया था किसको क्या पेट की प्रॉब्लम है, कहाँ कभी कोई आता था नैना टीचर सिरमा गैस थी गयो, नैना टीचर पेट का प्रॉब्लम, नैना टीचर आई सैटो प्लस आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरी चाइल्ड एवरी किड। आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ उनके लेवल पर आना, आपको जमीन पर बैठ के उनसे बात करनी है। इट कैन नेवर बी लाइक आप यू नो, आपको उनकी तरह ही सोचना है। और बहुत स्मार्ट होते हैं बच्चे, मतलब बहुत ज्यादा। कितनी बार हुआ है कि उनके सवालों ने मतलब मुझे बिल्कुल इनके से ज्यादा उन्होंने मुझे चुप करा दिया। और रियल लाइफ तो बच्चे बड़े शाने होते हैं, मैंने देखा है। मेरी बेटी ना खुद तो 12 घंटे सो के आ जाती है, और उसको थोड़ी ना पता मैं कितने बजे सोया हूं। सुबह जाए पापा वेक अप, तो अपनी नींद तो पूरी कर ली, हमें क्यों उठा रहे। और मैंने ना डिसाइड किया था कपिल कि मैंने बेजात को बोला जो हमारे डायरेक्टर हैं कि क्योंकि रोल इस तरीके का है काफी इंटेंस है, तो मैं जो बच्चे बहुत पसंद है बट थोड़ा एक मैं एक वॉल रखूंगी क्योंकि अदरवाइज ज्यादा फेमिलियर जजिंग ये हम सवाल तो ध्यान से मैं कह रहा हूँ कि बच्चे पसंद भी बहुत है, 16 बच्चों के साथ काम किया, बच्चों की पूरी समझ भी आ चुकी है। चलो तैयारी तो हो गई, होमवर्क तो हो गया। तो मैंने सोचा कि मतलब ज्यादा फेमिलियर होंगी तो मतलब टेक में मुझे है करके वो हंस देंगे और सीरियसली नहीं लेंगे। मैंने कहा हाँ मैं आई जस्ट थोड़ा बहुत आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड बी नाइस एंड दैट्स इट। तो मैं अपने कोने में और वो अपने कोने में, मैं जैसे ही सेट पर आई 16 के 16 बच्चों ने ऐसे मुझे हक किया है, मैं सच में गिर गई थी जमीन पर। आई एम नॉट किडिंग, आई जस्ट फेल डाउन एंड आई कुडंट होल्ड माई सेल्फ। मैंने कहा आ जाओ यार, मतलब कोई बात नहीं, बना लेंगे पिक्चर। बेजाब कोने में मतलब ऐसे बैठा हुआ कि मैं क्या करूं। अच्छा 16 के 16 कोई ना कोई तो टेक में शरारत करते होगा, गड़बड़। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब शॉर्ट है कि सब हम लोग खड़े हैं, सब बच्चों को मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ और कहीं से एक आवाज आ रही है चिंग चिंग किंग करके, कोई छोटी बच्ची कुर्सी लेकर आ रही है और ऐसे बैठ रही है। हर मतलब एक टेक, दूसरा टेक, तीसरा, एवरी टाइम नन्ना टीचर मोर ब्लस मोर आई सेडो इन द टेक, सो आई डोंट नो व्हाट टू डू। या पहले मुझे समझ नहीं आया कि क्या, थोड़ा वो लिस्प करती हैं उनमें से एक बच्ची, बहुत प्यारी है पर बहुत मजा आया उनके साथ काम करके, बहुत चैलेंजिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है फिल्म का, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा बच्चों की शरारतें भी ना, आपके तो दोनों बेटे हैं ना, तो अब देखना जब बेटा बेटी होते ना तो बेटियों के जो खिलौने हैं पता नहीं नेचुरली होता है ये उनका, जैसे अभी यामी बोली ना मेकअप कर देते, ये लड़कियों को होता है, लड़के होते हैं वो चीजें तोड़ने में बड़ा। हाँ। जैसे मेरे वाला तो अभी चलता भी नहीं है, वॉकर में जाके उसने सारा घर चेक कर लिया हुआ है कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। बेटी 2 साल की होगी, उसने बेचारी ने वो अपना मेकअप जो नकली जो आता ना। अच्छा, अपना लगी रहती है। आई सेड अ ब्लस, आई सेड अ ब्लस। अच्छा यामी ना इस फिल्म में अपनी मेड को रस्सी से बांध रही है, मुंबई में वैसे ही मेड मिलती नहीं है जल्दी, ये फिल्म का जब ट्रेलर आया तो आपकी मेड काम पे आई फिर तो घर से बोलती हूँ मैम वर्क फ्रॉम होम करूंगी मैडम। इसने 2 बार देखा है दीदी, मतलब मैंने बहुत सोच समझ के बाद में देखा, कुछ नहीं बोला मैंने, ये भी नहीं बोला कि मेरा ट्रेलर है, ऐसे ही दिखा रही, अरे दीदी ये क्या कर रही हो। एंड वो ना तेल डाल रही थी मेरे सर में, रुक गई वो, मुझे फील हुआ कि कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ हरकत नहीं हो रही है। एंड फिर मैंने उसको थोड़ा सा कशोर किया कि आपके पतिदेव ने जो ट्वीट किया था वो बता दीजिए। क्या ट्वीट किया था? ट्रेलर के बाद आदित्य ने ये ट्वीट किया था कि आई एम स्केर्ड ऑफ यामी बीइंग एट होम विद माय वाइफ। मेड की बात कर रहे हैं आप? अच्छा मेड की बात चली तो मैं ऐसे ऑब्जर्वेशन है कि मुंबई में अगर खास तौर पे अगर आपकी मेड नहीं आ रही हो ना तो लोग मेहमानों को मना कर देते हैं, है ना? जैसे अर्चना जी की मेड 2-3 दिन नहीं आई, इन्होंने अपने पति को मना, तुम घर में मत आना 3 दिन। बाद में इनको याद आया कि जो भाग्यश्री है इनकी मेड, उसके साथ तो मैं वीडियो बनाती हूँ, काम तो सारा परमीत ही करता, फिर उन्होंने मुझे बुलाया। कपिल, परमीत बोल रहा था, कहता अभी मैं आऊंगा, जब भी कपिल अगर मेरा नाम लेगा और मेरे पर ऐसे ताने या जोक्स मारेगा ना, वो आने वाला है, अभी तू फिर झेलना उसको। मैं तो बुलाना चाहता हूँ परमीत सर को, मैं चाहता हूँ कि अपने दुखड़े रोए नेशनल टीम के। अतुल सर आपके घर में तो मेड बड़ी खुश रहती होगी क्योंकि आप और मैडम दोनों एक्टिंग में बिजी रहते हैं,
फिर शाम को घर आते होंगे तो बोलती होगी साहब अब मैं अकेले का क्या बनाऊं, मेरा भी शूटिंग से ले आओ. चलिए हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं. ये हमने गेम बनाई है, एक 5 सेकंड चैलेंज. पांच okay. वो गिनेंगी अर्चना जी. हाँ. उनको भी कुछ करना है ना. अभी मैं उधर आके मारूंगी तेरे को. ये नेहा के लिए है. हाँ. एक एक करके मैं तीनों से पूछूंगा. तीन चीजें जो छील के खाई जाती हैं. केला, प्याज और ड्रैगन फ्रूट. क्या फ्रूट? प्याज छील के खाते हैं. हाँ. और हाँ. तो क्या बिना छील और ड्रैगन फ्रूट हमने तो कभी खाया नहीं है, तो शूटिंग के लिए रखा है. तो पता ही नहीं है. तीन चीजें जो आप सोने से पहले करती हैं. अपना फोन बंद करती हूँ. okay. अपना फोन चार्ज पे लगाती हूँ और लाइटें बंद करती हूँ कमरे. ओके. हाउ स्वीट. इसमें भी तालियां. इसमें भी तालियां. वेल ट्रेन्ड ऑडियंस भी है. मतलब हाउ स्वीट. इस बात पे भी तालियां. इसमें भी अब ये ना पता है तीसरा सवाल होगा जब मैं पूरी तरह फंस जाऊंगी. अभी मुझे मालूम है ये कहां जा रहा है. इनको क्या है ना, इनको ना ठंड लगती रहती है ना, तो अपने आप को गर्म करते रहते हैं. और इतना कोई मजा थोड़ी ना आ रहा है उनको. ठीक है, पता नहीं आज नहीं आज ठीक है. नहीं जैसे वो तीन लोगों को बीच में ठंड लगी नहीं रही, उन्होंने ताली नहीं बजाई. वो पत्थर के हैं. अभी भी नहीं देखो. अच्छा, तीन चीजें जो आप सुबह उठने के बाद करती हैं. चाय, ब्रश एंड हग माय डॉटर इमीडिएटली. ओह वाओ. तीन चीजें जिसके बिना आप घर से बाहर ही नहीं निकलती. घर की चाबी, वॉलेट और सनग्लासेस और मास्क. चार हो गए. ओके. अब चार. ओके. आप इस टेस्ट में पास हुई. हाँ. मेरे लिए आपको 5 लाख बधाइयां. ओके. यामी, तीन चीजें जो एक हाथ से बचती हैं. एक है? एक हाथ से बचती हैं. हाँ. ऐसे. हाँ. ठीक है. आधी ताली. ठीक है. ताल. हाँ. तबले की ताल. मेरे बड़े क्रिएटिव आंसर्स हैं. 5 सेकंड हो गए. अच्छा, तीसरी क्या है? तीसरी क्या बोलो. चुटकी. चुटकी. ये देखिए, ये परफेक्ट है अपने रोल के लिए. ओके. सड़क पे घूमने वाले चार जानवर. मतलब जब बिल्कुल डॉगी, कैट और आज कभी कभी तो वो तेंदुआ भी आ जाते हैं. एक चीज ऐसी यामी क्यों बताती है जो हमारी सोच से अलग होती है. तबला बता दिया, एक हाथ से बचा, अभी तेंदुआ ले आई. लिसन, आपने तीन चीजें बोली हैं, डॉग, कैट और तेंदुआ. ये कभी बाकी है. स्नेक. गाय. 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 ये बहुत आगे की सोचती है. स्नेक. स्नेक जानवर थोड़ी होता है. मैं हिमाचल. स्नेक इज नॉट ए एनिमल. ऑफ कोर्स ही इज. स्नेक इज ए जीव जंतु. रेप्टाइल. पर एनिमल है तो फिर भी मतलब रेप्टाइल जानवर तो है ना. ओके. चार खाने की चीजें जिससे फेशियल कर सकते हैं. केला, पपाया, क्यूकम्बर, वो खीरा. ओके. आलू. अतुल सर, आपके लिए है गालों पे दी जाने वाली तीन चीजें. एक किस. हाँ? दो किस. तीन किस. तीन से कम. जितने भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, कृपया ध्यान दें. इनमें रोमांस भी काफी भरा हुआ है. हाँ जी. तो आपको अगर देखो कोई ऐसी मूवी के लिए कास्ट करना हो जिसमें रोमांस भर भर के हो, कुलकर्णी साहब बहुत कुछ कर जाएंगे. ओके. नाड़ा डाल के पहनी जाने वाली तीन चीजें. तीन लोग पहना रहे हैं मुझे पजामा. एक वो पहना रही है, एक दूसरा पहना रही है. एक पहन के आया हूँ. चलो, पजामा, कच्चा पेटीकोट. कच्चा. जिन्होंने ये सवाल लिखे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद. बड़े क्रिएटिव हैं आप. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.